हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रू डिस्कवर। आज हम रोहिंग्या इशू के बारे में जानेंगे। इसमें हम म्यांमार के बारे में जानेंगे, उस देश का लोकेशन कहाँ है उसके बारे में जानेंगे हम। फिर हम रोहिंग्या कौन है इसके बारे में जानेंगे। फिर हम रोहिंग्या क्राइसिस क्यों हुए इसके बारे में जानेंगे। फिर हम रोहिंग्या की प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में जानेंगे, और इस इशू का समाधान क्या है इस विषय में हम जानेंगे। तो चलिए हम म्यांमार की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। म्यांमार एक साउथ एशियन कंट्री है, उसका राजधानी है नेपाइड्रो। ये जो है म्यांमार, ये पांच देशों से घिरा हुआ है। यहाँ है बांग्लादेश, यहाँ है इंडिया, यहाँ है चाइना, यहाँ है थाईलैंड और यहाँ है लाओस। इस देश में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस चाइना का है। आइए अब हम रोहिंग्या के बारे में जानते हैं। कौन है ये रोहिंग्या? रोहिंग्या का पहला परिचय ये है कि ये लोग वर्ल्ड लिस्ट वांटेड है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई सिटीजनशिप नहीं है किसी भी कंट्री का, और इन लोगों को वर्ल्ड मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी भी कहा जाता है। क्योंकि इन लोगों के पास सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए इन लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन होते रहते हैं, और ये काफी सालों से चला आ रहा है। ये लोग म्यांमार की रखाइन स्टेट में रहते हैं। ये स्टेट पहले आजाद भी रहा, मुगल एम्पायर की हिस्सा भी रहा और ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा भी रहा। जब ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, तब उसे चटागोंग से गवर्न किया जाता था, इसलिए ये लोग कभी बंगाल चला आता था, और जब भी लेबर की जरूरत होता था तब अंग्रेज उन लोगों को वहां ले आता था। और 1785 में इन इलाका को एनेक्स किया गया था, तब ये मुगल एम्पायर का हिस्सा था। ब्रिटिश इंडिया के समय बहुत सारी इंडियन मुस्लिम को ब्रिटिश ने वहां लेके गया और वहां ऑफिशियल मिशनरी और फौज में उन लोगों को इंडक्ट किया। 1948 में म्यांमार आजाद हुआ और 1962 में जनरल नी मैन ने उन लोगों को वहां से निकाल दिया। उन लोगों को ऑफिशियल मिशनरी से निकाल दिया, फौज से निकाल दिया, और म्यांमार की सिटीजनशिप एक्ट 1982 के मुताबिक रोहिंग्या को म्यांमार की नागरिक मानने से भी इनकार कर दिया। इस तरह से उन लोगों की नस्लकुशी करना शुरू हुआ। इन लोगों के पास शिक्षा लेने का हक नहीं है, वो लोग सुब सुब के तालीम हासिल करता है। बर्मा की मुस्लिम के पास शादी करने की भी इजाजत नहीं है जब तक सरकार उसका परमिशन नहीं देते। हाल ही में बौद्ध एक भिक्षुक जिसका नाम अशीर बिद्धा थे, उसने म्यांमार की मुस्लिम के ऊपर एक फरमान जारी किया। उसमें कहा गया है, म्यांमार के मुस्लिम बुद्ध की विचारधारा को नजर किनारा करके वहाँ एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। मुस्लिम मछली खाता है, जानवर की शिकार करता है। इन मुस्लिम अकलियत ने बौद्ध अकलियत को मुश्किल में डाल रखा है, इसलिए इनकी औरतों की इज्जत लूटो, इनकी बच्चों को गला दबा के मारो, और इनकी बुजुर्गों और इनकी जवानों को तेल सुरक के मार दो। अब सवाल आता है, इन इशू का समाधान क्या है? इस इशू का एक समाधान ये है कि रोहिंग्या की जीवन की रक्षा करने के लिए इन लोगों को बंटवारा करके दूसरे देश में संस्थापित किया जा सकता है। ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और कंट्री रोहिंग्या की विषय के ऊपर म्यांमार की गवर्नर को प्रेशराइज कर सकते हैं उन लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए, और उन लोगों की कल्चर रक्षा करने के लिए कुछ विशेष क्षमता संपन्न स्टेट बना देने के लिए। ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलके उन लोगों के लिए एक अलादा कंट्री बना दे के उन लोगों की संस्थापित करके इस इशू को समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और लाइक और कमेंट करके आपकी सुझाव हमें दीजिए।
धन्यवाद।